आकांक्षापुरी जो अभी बिग बॉस में थी उन्होंने कहा था कि राखी बिना चप्पल के ही रहेगी, सलमान शादी नहीं करेगी आपका। अरे इतने अच्छी अच्छी लड़कियां आकांक्षा पुरी अंदर थी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं सलमान भाई को वो पटा लेगी। नहीं नहीं, बिकॉज उसके अंदर है वो कशिश, जब वो मिका को पटा सकती है, मिका की वोटी बन सकती है, अंदर जाके किस कर सकती है, तो सलमान भाई को तो पटा ही सकती है। क्या मिका जी का क्या कि मुझे सलमान से शादी करनी है, यू वो बातें भी उन्होंने इलो ऐप हाँ। उस पर उन्होंने एक कल लाइव आए थे और मुझे तो अच्छी लगती है आकांक्षा पुरी, और मैं तो कहूँगी कि सलमान भाई बहुत अच्छी लड़की है। देखो ये फिरंगियों को आप पसंद करते भाई, ये कहाँ कहाँ से फिरंगियाँ आती है, ये माल उठाती है और निकल लेती है। आकांक्षा पुरी अपने देश की लड़की है, माल भी देश में रहेगा, लड़की भी अपनी लड़की है। तो मुझे तो लगता है सलमान भाई आकांक्षा पुरी बहुत बेस्ट है। उन्होंने कहा था कि जितने भी जूते चप्पल जो भी राखी के वो सब मुझे दे दीजिए, बिकॉज़ अभी तो नहीं पहनेगी, ऐसा कहा था। तो नहीं देखिए, मैंने यही कहा था कि पूरे बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट अभी गए हैं तीखी पूरी लाइक आकांक्षा पुरी शी इज द बेस्ट। और लोगों को देश में लोगों को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। रियलिटी शो में बोलते हम तो रियल है। अच्छा तुम रियल में ये सब नौटंकियां करते हो क्या, अंदर सब ड्रामे करते हैं और कोई रियल नहीं है अंदर, कोई भी नहीं है। अगर मुझे हिंदी बिग बॉस में इस बार मैं गई तो इनको उधाड़ के रख दूंगी, इनकी बैंड बजा दूंगी इनको। तो मैं देखो हर वक्त जाती हूँ तो मैं कुछ करती हूँ, लेकिन इस बार मराठी में मैं गई थी लास्ट टाइम तो कुछ अलग ही मैंने स्ट्रैटेजी मराठी में यूज किया था मैंने। साम दाम दंड भेद जिसके बोलते हैं, इसलिए बर्तन आटा पानी सबका यूज कर लिया था। मारा मारी सब चीज का मैंने यूज कर लिया था मराठी में, तो मैं एकदम चंडीगा थी, है ना भाई आप क्या बोलेंगे, स्वीट चंडीगा थी बट डर नहीं लगता था। ये मैंने स्वीट है, मुझे तो डर लगता है ना, मुझे नहीं लगता बट वो है, स्वीट आर्ट है, ऑलवेज ऑलवेज स्वीट है राखी से डर, पर जब आप राखी से बात करोगे तो राखी स्वीट आर्ट है, ऑलवेज ऑलवेज स्वीट आर्ट।